फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग जो हमारे इंग्लिश से हिंदी में रहेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड है जिसको मैंने आज के द हिंदू पेपर में से पिक किया हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में छः वर्ड्स लेके आता हूँ और उस वर्ड का हम हिंदी में मतलब और उसका एक सेंटेंस इंग्लिश में और उसका हिंदी में सेंटेंस देखते हैं और उस वर्ड को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, ताकि वो ट्रिक से जैसे हमको वो वाला जो भी वर्ड दिया रहता है वो हमको याद हो जाए, उसका एक हम बेस्ट सूटेबल ट्रिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आज का जो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो है एसेंट। सो एसेंट का हिंदी में मतलब होता है अनुमति। मतलब क्या कर रहे हैं आप, अनुमति दे रहे हैं या किसी से आप अनुमति ले रहे हैं, मतलब आप अप्रूव कर रहे हैं ना। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एसेंट का हिंदी में मतलब हो जाएगा अनुमति। तो सी, इस वर्ड जो है एसेंट है, इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो इस ट्रिक में है, आप ये जो वर्ड है इसको आप क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो पहला हो जाएगा ए एस एज और प्लस सेंट। तो मतलब क्या कर दोगे आप, एज सेंट, मतलब क्या हो रहा है, व्हेन यू आर सेंडिंग एनीवेयर यू विल एग्री बाय द डिसीजन। मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप कोई भी चीज भेज रहे हो, मतलब आप क्या हो, कन्फर्म हो, देन ओनली आप उस चीजों को सेंड करोगे ना, आप भेजोगे। तो मतलब क्या हो रहा है, आपकी तरफ से उस जो भी सामान है या जो भी चीज है उसको भेजने की आपने क्या कर दिया, अनुमति दे दी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंट बोलेंगे इंग्लिश में। तो सी, अगर आप एसेंट का मतलब अनुमति ले रहे हैं तो उसका जो सिनोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा या अप्रूवल रहेगा, ठीक है। और उसका जो एंटोनिम्स रहेगा, दैट मीन्स अपोजिट जो रहेगा, वो क्या रहेगा, डिसेंट रहेगा या रिफ्यूजल रहेगा। तो सी, और इस वर्ड को याद रखने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक हिंदी में सेंटेंस बनाया हुआ है, ताकि आप इस वर्ड को उस सेंटेंस में यूज करके आप याद कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपने काम करने की एसेंट दे दी, मींस व्हाट, आपने काम करने की अनुमति दे दी। जैसे अगर कोई भी काम कर रहा है तो अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो पहले आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, अनुमति दे दोगे, उसके बाद वो क्या करेगा, काम को स्टार्ट कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, आपकी तरफ से आपने काम करने की अनुमति सामने वाले को आपने दे दिया हुआ है, तो उसमें अनुमति का जो रहेगा हिंदी में मतलब, उसको हम क्या यूज कर लेंगे, उसकी जगह पे एसेंट यूज कर लेंगे फ्रेंड्स। और ऐसे ही एक मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर एसेंटेड टू द चेंज। मतलब क्या किया, प्रधानमंत्री जो थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो चेंज था, बदलाव के लिए जो भी अनुमति था उनकी तरफ से उन्होंने दे दिया हुआ है। तो यहाँ जो अनुमति रहेगा उसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, असेंटेड यूज करेंगे। तो देखते हैं आज का जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, वो कौन सा है हमारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉल्ट। तो एग्जॉल्ट का हिंदी में मतलब होता है प्रशंसा करना। तो मतलब जैसे आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं या आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हो आप हिंदी में। तो इसका जो इंग्लिश में मतलब रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जॉल्ट रहेगा। सो एग्जॉल्ट, सी, प्रशंसा कर रहे हो आप। तो इस वर्ड को याद रखने के लिए मैंने क्या किया है, एक ट्रिक दिया हुआ है, सेम लास्ट जो हमारा जो पहला वर्ड था उसके जैसा ही मैंने इसको ट्रिक बनाया हुआ है। तो इसमें ट्रिक है ई एक्स प्लस ए एल टी। तो ई एक्स को हम क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा, और ए एल टी स्टैंड फॉर द एल्टीट्यूड। हमने यहाँ सिर्फ इस वर्ड को याद रखने के लिए एक ट्रिक लिया हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड। मतलब क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा मतलब राइज और एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, राइज हाई, मतलब क्या कर रहे हैं आप, प्रेस कर रहे हैं आप, किसी का प्रशंसा कर रहे हैं आप, किसी की तारीफ कर रहे हैं। तो देन उसका मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, उसको एग्जॉल्ट कर रहे हैं। तो उसका जो सिनोनिम्स रहेगा एग्जॉल्ट का वो क्या रहेगा, मतलब जो उसका सिमिलर वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सट्रॉल रहेगा, और प्रेस भी बोल देंगे हम उसको। और उसका जो अपोजिट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्पाइज रहेगा, और उसको डिस्प्रेज हो जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो उसका हम अपोजिट क्या ले लेंगे, डिस्पाइज और डिसप्रेज ले लेंगे फ्रेंड्स। और सी, इस वर्ड को याद रखने के लिए मैंने एक आपको हिंदी में यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, वो है अच्छे काम के लिए हम एग्जॉल्ट करते हैं। मतलब कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं अपनी तरफ से। तो उस जो प्रशंसा शब्द है उसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट करके क्या यूज कर देंगे, एग्जॉल्ट कर देंगे। तो सी, अच्छे काम करने के लिए हम एग्जॉल्ट करते हैं। और एक इंग्लिश में मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, वो है टीचर्स आर फुल ऑफ एग्जॉल्ट फॉर हिज वर्क। मतलब क्या हुआ, टीचर्स को उनके काम के प्रति प्रशंसा प्रदान की गई, मतलब उनको प्रशंसा दिया गया। तो यहाँ हम यूज कर लेंगे
देखिए मैंने कितने अच्छे से जो जनरल लाइफ में हमारे सेंटेंस यूज होते हैं उसमें मैंने क्या किया, ये वर्ड को यूज किया हुआ है ताकि हम वो वर्ड को कभी नहीं भूल पाए। तो जो मेरा इंग्लिश में सेंटेंस है वो है टीचर्स आर फुल ऑफ एग्जॉल्ट फॉर हिज वर्क, मतलब टीचर के अच्छे कामों के लिए उनकी प्रशंसा की गई। ऐसे आप कर सकते हैं फ्रेंड। देखते हैं आज का जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है इंट्रीग। सो इंट्रीग का हिंदी में मतलब होता है साजिश। सो साजिश का मतलब हो जाएगा इंट्रीग, हम इसको इंग्लिश में बोल देंगे फ्रेंड्स। तो सी मींस क्या हो जाएगा साजिश, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या जैसे जनरल में आप यूज करते हो साजिश हो रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, इंट्रीग कर रहा है। तो इस वर्ड को याद रखने के लिए हमारा जो ट्रिक है वो आईएन जो है वो आप सपोज यहाँ भूल जाओ तो इसको ट्रिक है तो उसको हमने यूज किया हुआ है ये वर्ड याद रखने के लिए इस ट्रिक में। तो क्या है टी आर आई, सो टी आर आई फॉर द ट्रिकी और जी यू ई स्टैंड फॉर द गेम। तो लाइक ट्रिकी गेम, मतलब अगर ट्रिकी गेम है तो उसमें क्या होगा कुछ ना कुछ साजिश होगा, देन उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो उस जो गेम गेम के लेवल्स रहते हैं आप क्या करोगे उसको क्रैक कर लोगे। तो क्या हो जाएगा ट्रिकी गेम। सो इंट्रीग आप ऐसे यहाँ बस ई आई एन जो है इन है उसको आप ऐड कर लेना। सो ट्रिकी गेम मतलब क्या हो रहा है, ट्रिकी गेम है मतलब कोई गेम जो खेल रहा है वो बहुत खतरनाक है, मतलब उसमें क्या हो सकता है साजिश शामिल है। तो क्या हो जाएगा उसको उसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा साजिश, और उसको इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस वर्ड को इंट्रीग कर देंगे फ्रेंड। तो इसका जो सिनोनिम्स रहेगा उसका जो सिमिलर वर्ड है वो है कॉन्स्पिरेसी, मतलब बोलते हैं ना जो लोग कि वो मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मतलब वो हमारे लिए क्या कर रहा है वो साजिश कर रहा है, हमारे खिलाफ वो साजिश कोई रच रहा है, तो यहाँ यूज कर सकते हैं। और जो मेरा एंटोनिम्स रहेगा अपोजिट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा एक्यूरेसी या ट्रूथ, मतलब उसमें साफ सफाई है एकदम सच्चाई है, तो यहाँ यूज कर सकते हैं हम इसके अपोजिट वर्ड में। सी इंट्रीग को याद रखने के लिए एक मैंने हिंदी में सेंटेंस लिया हुआ है वो है सेना को संदेह है कि बम विस्फोट ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेना को संदेह है कि बम ISI की इंट्रीग है, मतलब जो बम विस्फोट हुआ है वो क्या हुआ है ISI की एक साजिश है। जैसे आजकल हो ही रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI एजेंसी है जो खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही है हमारे देशों में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक करा रहे हैं, तो हमारे जो सेना लोग हैं उनको क्या है डाउट होता है कि ये जो विस्फोट हुआ या जो भी कुछ हो रहा है वो क्या है ISI की एक साजिश है। तो साजिश की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे फ्रेंड्स इंट्रीग है। देखिए कितना ज्यादा इजी है, जो जनरल लाइफ में हमारे सेंटेंस यूज हो रहे हैं उसको हमने कैसे इस वर्ड को उस सेंटेंस में यूज किया हुआ ताकि आप कभी भी नहीं भूल पाए फ्रेंड्स। सी और जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश में मैंने बनाया हुआ है ये हिंदी का ही मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है वो है द आर्मी सस्पेक्ट द बॉम्ब ब्लास्ट टू बी द इंट्रीग ऑफ ISI। सी द आर्मी सस्पेक्ट द बॉम्ब ब्लास्ट टू बी द इंट्रीग ऑफ ISI, मतलब सेम चीज यही हो गया ना कि जो सेना है आर्मी फोर्सेस है उनको क्या है डाउट है कि जो बम विस्फोट हुआ वो ISI की खुफिया साजिश है, ऐसा यूज कर सकते हो इस सेंटेंस में इस वर्ड को। देखते हैं आज का जो मेरा नंबर 4 वर्ड है वो है डेलिकेसी। फ्रेंड्स सी डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में विनम्रता, मतलब आप किसी के साथ विनम्रता पूर्वक पेश आ रहे हो, उसके सामने आप एकदम नरम हो एकदम शांत हो, इसको हम यूज कर सकते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा डेलिकेसी। तो जो डेलिकेसी का ट्रिक है याद रखने के लिए, देखिए अब डेलिकेसी वो कैसा हो रहा है इसका साउंड आ रहा है, मतलब इसका रैम्स किसके साथ मैच हो रहा है डिलीशियस जैसा हो रहा है, तो आप डेलिकेसी बोल सकते हो या डिलीशियस, मतलब बहुत ही ज्यादा वो स्वाद है, या डिलीशियस का मतलब हो जाएगा स्वाद बहुत ज्यादा उसका अच्छा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे डेलिकेसी इसका बस साउंड यूज हो रहा है, मतलब इसका रैम्स हो रहा है क्या हो रहा है डिलीशियस के जैसा हो रहा है। तो आप जस्ट रिमेम्बर करो एक चीज, जस्ट रिमेम्बर वुमेन, सो वुमेन हैव बोथ क्वालिटी ऑफ ब्यूटी एंड डेलिकेट इन अपीयरेंस, मतलब वुमन का जो सुंदरता और देखने और जो उनके बात व्यवहार का जो अपीयरेंस है जो दिखता है उनमें क्या होता है विनम्रता झलकता है, मतलब उनमें साफ साफ विनम्रता नजर आती है, तो उस विनम्रता की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे फ्रेंड्स डेलिकेसी। तो सी वुमन है बोथ क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी एंड डेलिकेट इन अपीयरेंस, मतलब दिखने में और विनम्रता में या बातचीत करने में बहुत उनके कंसिडर क्या होते हैं जो भी स्वभाव रहता है वो बहुत सरल विनम्र दिखाई देता है फ्रेंड।
तो जो डेलिकेसी रहेगा उसका सिनोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, फिनेंस रहेगा, और उसका जो अपोजिट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, क्रूडनेस रहेगा या कोर्सनेस रहेगा। तो ऐसा हम यूज कर लेंगे इस डेलिकेसी को, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी यहाँ मैंने आप लोगों के लिए दे दिया हुआ है। और इस वर्ड को याद रखने के लिए सेम एज यूजुअल मैंने एक हिंदी में भी सेंटेंस बनाया हुआ है, तो वो है बच्चों की डेलिकेसी देखने लायक रहती है, मतलब बच्चों की जो विनम्रता रहती है वो बिल्कुल हमें देखने लायक रहती है, वो क्या करते हैं बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ही प्यारे रहते हैं, तो उसमें और उनका जो नेचर रहता है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेसी लगता है, बहुत ही विनम्र वो स्वभाव के लगते हैं, तो उसमें हम क्या यूज कर लेंगे, बच्चों की डेलिकेसी ऑलवेज देखने लायक रहती है, हमेशा वो क्या रहती है, देखने लायक रहती है। तो इस सेंटेंस में यहाँ मैंने क्या यूज किया हुआ है फ्रेंड्स, डेलिकेसी, तो डेलिकेसी मीन्स व्हाट, विनम्रता या कोमल है, नम्र है उसका स्वभाव, यहाँ हम यूज कर सकते हैं। और एक मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाया हुआ है, वो है द डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन, मतलब परिस्थिति की विनम्रता, जैसे आप बोलते हैं ना कि सिचुएशन मेरे सामने ऐसा आ गया कि वो बहुत ही ज्यादा विनम्र था या बहुत ही ज्यादा नम्र था, वो कोमल था, तो वहां हम क्या यूज कर लेंगे फ्रेंड्स, डेलिकेसी, द डेलिकेसी ऑफ दिस सिचुएशन और द डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन। तो इस सेंटेंस में हमने यहाँ भी यूज कर लिया डेलिकेसी, तो क्या हो जाएगा, द डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन, देखिए कितना ज्यादा इजी है। ऐसे ही फ्रेंड्स जो मेरा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉरसेक। सो फॉरसेक का मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, त्यागना, मतलब आप क्या करो कि किसी चीज को आप छोड़ दे रहे हो या किसी चीज को आप परित्याग कर दे रहे हो, आप उसको अपनी तरफ से त्याग दे रहे हो, तो उसका मतलब हो जाएगा फॉरसेक, मतलब आप क्या कर रहे हो, फॉरसेक कर रहे हो। तो देखिए मैंने इस वर्ड को याद रखने के लिए एक आपको ट्रिक दिया हुआ है, वो है फॉरेस्ट को सेक, मतलब जंगल को आप भूल जाओ, जंगल को आप त्याग दो, ऐसे हम क्या करेंगे इस वर्ड को याद कर लेंगे, फॉरेस्ट को सेक। सो क्या हो जाएगा, फॉर सेक, मतलब आप क्या कर रहे हो, त्याग रहे हो, तो यहाँ हम इस वर्ड को याद करने के लिए जंगल को भूल जाओ, तो यहाँ क्या करेंगे हम, फॉरेस्ट को सेक, दैट मीन्स व्हाट, फॉर सेक मतलब आप त्याग रहे हो। और इसका जो सिमिलर वर्ड रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा, वो क्या रहेगा, अबैंडन रहेगा, या तो लीव या तो डिजर्ट हो जाएगा, मतलब आप छोड़ रहे हो या आपने छोड़ दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्याग रहे हो आप, इसको हम बोल देंगे। या उसका अपोजिट वर्ड क्या हो रहा है, अगर आप किसी चीज को त्याग रहे हो, आप उसको फॉरसेक कर रहे हो, लीव कर रहे हो, तो उसका जो अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा, स्टे विथ, मतलब आप उसके साथ हो, आप उसको आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, या आप उसके साथ हमेशा की हो, तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, फॉरसेक का अपोजिट हो जाएगा स्टे विथ। और इस वर्ड को याद रखने के लिए मैंने एक हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो है सीता जी घर को फॉरसेक कर दी थी, मतलब क्या होगा, जो आप देखे ही होंगे रामायण वगैरह, तो उसमें क्या हुआ था, जो सीता जी अपने घर को उन्होंने क्या किया हुआ था, त्याग दिया हुआ था, तो यहाँ त्याग का हिंदी में मतलब सॉरी इंग्लिश में यहाँ हम यूज करेंगे वर्ड, वो क्या हो जाएगा, फॉरसेक, तो उन्होंने क्या किया था, अपने घर को फॉरसेक कर दिया था, मतलब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया हुआ था। और एक मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाया हुआ है इस वर्ड को लेके, I won't forsake my vegetarian principles. Means what? मैंने अपने जो मेरा वेजिटेरियन, जो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अपने वेजिटेरियन के सिद्धांत को मैं कभी भी त्यागूंगा नहीं। तो यहाँ मैंने एक forsake को वर्ड यूज कर लिया एक सेंटेंस में, और वो जो सेंटेंस है वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, I won't forsake my vegetarian principle. मैं अपने जो मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे जो मेरा जो वेजिटेरियन का सिद्धांत है, वो मैं कभी अपने वेजिटेरियन को सिद्धांत को मैं त्यागूंगा नहीं। देखते हैं फ्रेंड्स आज का जो मेरा लास्ट वर्ड है वो है एंट्रीट है। सो एंट्रीट का मतलब हो जाएगा विनती करना, तो आप किसी से विनती कर रहे हो या आप किसी से मांग रहे हो, तो उसका मतलब हो जाएगा एंट्रीट। सो एंट्रीट का ट्रिक हो जाएगा, सपोज एक क्या कर रहे हो आप, ask treat always, तो treat आप मांगते हो अपने फ्रेंड्स लोग से, तो क्या करते हो आप उन लोगों से ask कर रहे हो, आप पूछ रहे हो या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो आप, treat मांग रहे हो। तो जैसे बोलते हैं ना हम अपने फ्रेंड्स को कि भाई मुझे चल पार्टी दे, या हम बोलते हैं कि आज तेरे पार्टी का चांस है, तो जैसे उसमें जो treat हम कर रहे हैं ना, उनसे treat हम मांगते हैं, या हम ऐसे जनरल में बोलते भी रहते हैं, तो ये बस treat का आप यहाँ यूज कर लो, asking your friend to give a treat for getting a job. Means what? आपके किसी फ्रेंड को जॉब लगा, तो आप उसे क्या करो कि उसके जॉब के लिए मतलब उसके
उसका जॉब लगा उसको, तो आप क्या करो उसे कि उसके लिए आप उससे पार्टी मांग रहे हो, मतलब क्या करो आप उससे ट्रीट मांग रहे हो। तो यहाँ से ट्रीट का मतलब आप में बस ट्रीट लो, और ट्रीट का क्या हो जाएगा, आस्किंग योर फ्रेंड टू गिव अ ट्रीट फॉर गेटिंग अ जॉब, मीन्स यहाँ हो जाएगा सो आस्क ट्रीट ऑलवेज। तो इसका जो सिमिलर वर्ड रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, सिनोनिम्स बेसिच रहेगा या आस्क रहेगा। तो मतलब आप मांग रहे हो या उससे डिमांड कर रहे हो, ये डिमांड अपोजिट में चला जाएगा, लेकिन आप मांग रहे हो तो विनती कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, बीसीज और आस्क इज व्हाट, सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड ऑफ इंट्रीट हो जाएगा। और उसका जो एंटोनिम्स रहेगा वो रहेगा गिव या डिमांड, मतलब आप तो दे रहे हो या उससे आप उसकी डिमांड कर रहे हो, दैट मीन्स आप दे रहे हो, अगर कोई चीज को मांग रहे हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ड को इंट्रीट को याद रखने के लिए मैंने एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाया हुआ है, वो है ही टर्न अ डेफ ईयर टू ऑल माय एंट्रीटीज। सो सी, ही टर्न अ डेफ ईयर टू ऑल माय एंट्रीटीज, मतलब क्या हो जाएगा, उसने मेरे सारी विनती को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। मतलब डेफ ईयर मतलब क्या हो जाएगा, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो क्या कर दे रहा है, अनसुना कर दे रहा है। मतलब जो भी हमारी विनती की गई थी, जो भी हमने उसे अपना जो भी चीज हमने ट्रीट भी मांगा था या कुछ भी मांगा था, तो उसने हमारा क्या कर दिया, हमारी बात को उसने क्या कर दिया, बिल्कुल अनसुना कर दिया। ये तो हो गया फ्रेंड्स इंग्लिश में सेंटेंस। लेकिन एक जैसे मैंने हिंदी में भी सेंटेंस बनाया हुआ है वो इंट्रीट के लिए, तो इंट्रीट का यहाँ विनती करना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हिंदी में, भगवान से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंट्रीट करते हैं, मतलब विनती करते हैं हम, देखते ही होंगे आप भी करते होंगे। तो क्या हो जाएगा, वहां उनसे हम क्या करते हैं, इंट्रीट करते हैं, मतलब हम ऑलवेज उनसे क्या करते हैं, विनती करते हैं। तो यहाँ यूज कर लेंगे हम, भगवान से हम इंट्रीट करते हैं। और जैसे मैंने बताया एक सेंटेंस इंग्लिश में ये था, ही टर्न अ डेफ ईयर टू ऑल माई एंट्रीटीज, तो मतलब क्या हुआ, उसने मेरे सारे चीजों को अनसुना कर दिया, मतलब सारे मेरे सारे विनती को उसने क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ज्यादा इजी है, मैंने जो भी मेरे आज के वर्ड थे डिफिकल्ट, तो उसको मैंने कैसे जनरल सेंटेंस में यूज किया हुआ है, ताकि ये वर्ड जो हमारे हैं वो हम लोग कभी भी नहीं भूले फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आपको अभी दो वर्ड देता हूँ, तो आप मुझे उसका इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग और उसका एक अच्छा सुटेबल और जितना भी छोटा हो सकता है आप मुझे उसका ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर करिएगा। अभी मैं आपको दो वर्ड देता हूँ, तो फ्रेंड्स ये आपको आज का दो वर्ड रहा। तो पहला वर्ड है स्ले है, और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, म्यूज है। तो आप मुझे इसका मीनिंग और मीनिंग आप दोनों लैंग्वेज में देना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इस दोनों जो वर्ड है स्ले और म्यूज है, इसका आप मुझे ट्रिक एक जितना भी अच्छा हो सकता है, छोटा भी होगा या बहुत ज्यादा बेस्ट सुटेबल हो सकता है, वो आप अपनी तरफ से मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर करिएगा। पहला वर्ड है स्ले और दूसरा वर्ड है म्यूज। थैंक यू।